भाषार्थ इस लोक में सभी देव हमारी रक्षा करें, मरुदगण हमारी रक्षा करें, सब प्राणी मात्र हमारी रक्षा करें, जिससे यह हमारा शरीर आदि रोग एवं पाप से रहित हो। भाषार्थ जल ही औषधि की भांति स्नान पानादि से सुख के लिए औषधि रूप से रोग का उपशमन करते हैं। जल ही रोग के कारणों को नष्ट करने वाले हैं। जल ही सभी के हित करने वाले औषधि रूप हैं, वे तेरे लिए रोग नाशक हों। भाषार्थ दस अंगुलियों वाले प्रजापति के दोनों हाथों से निर्माण हुई जिह्वा वाणी को आगे कर शब्द करती है, उन आरोग्य कारक दोनों हाथों से तुझे हम स्पर्श करते हैं। अष्टात्रिंश दुतर शततम सुक्तम। भाषार्थ हे इंद्र, तेरे सख्य मित्रता में रहने वाले हवि को प्रदान करने वाले उन विख्यात भक्तों ने यज्ञ कर्म का मनन करते हुए बल राक्षस का संहार किया। जिस समय मननीय स्तुति स्तोत्र गाते हुए कुत्स के लिए प्रभात काल का दर्शन कराया और जल को मुक्त किया, उस समय वृत्र के सारे कार्यों का नाश किया। भाषार्थ हे इंद्र, विश्व निर्माता जल को मेघ से तू निर्माण करता है, पहाड़ों को प्रेरित किया, वलासुर ने गृहा में निहित गायों को मुक्त किया, अनंतर प्रिय मीठे सोम का सेवन किया, वन के वृक्ष को वृष्टि से वर्धित किया, यज्ञ में स्तुत वेद मंत्रात्मक वाणी से इंद्र की स्तुति हुई और इंद्र के कार्य से सूर्य तेजस्वी हुआ। भाषार्थ द्युलोक में सूर्य ने अपने रथ को चला दिया, जब श्रेष्ठ बुद्धिमान इंद्र ने दासों का प्रतिकार किया, मायावी पिप्रु नामक असुर की दृढ़ स्थिर नगरों और बल को राजर्ष रजस्वा के साथ सख्य करके इंद्र ने नष्ट कर दिया। भाषार्थ दुर्धर्ष इंद्र ने अपराजित शत्रु सैन्यों का नाश कर डाला और स्तुत किया जाता हुआ तू शत्रुओं का प्रदीप्त तेजस्वी वज्र से नष्ट करता है। भाषार्थ विस्तृत शत्रु पक्ष के बल का वज्र से विदारण करने वाला बिना सेना लड़ा यही वित्रहंता भक्तों को धन देने वाला इंद्र शत्रु सेना को अल्प करता है। इंद्र के विदारक वज्र से सभी शत्रु लोग डरते हैं। अनंतर सूर्य विश्व को प्रकाशित करता है और उषा ने अपना रथ चला दिया। भाषार्थ हे इंद्र, वे तेरे वीरता युक्त कार्य पराक्रम इस प्रकार केवल बहुत श्रमणीय हैं, जो कि तुमने अकेले ही प्रधान भूत यज्ञ विघ्नकर्ता राक्षस का संहार किया था। महीनों का कर्ता सूर्य को तुमने द्युलोक में स्थापित किया तथा पिता पालक द्युलोक टूटे हुए चक्र को तेरे बल से ही धारण करता है। एकोन चत्वारिश दुतर शततम सुक्तम। भाषार्थ सूर्य की प्रेरक किरणों वाला उज्ज्वल पीतवर्ण सविता देव पूर्व की ओर अखंड तेज प्रकट करता है। उसका उदित होने पर ज्ञाता एवं संरक्षक पूषा देव आकाश में प्रयाण करता है, संपूर्ण जगत के प्राणियों को श्रेष्ठ रीति से प्रकाशित करता है। भाषार्थ द्यावा पृथ्वी एवं अंतरिक्ष को अपने तेज से पूर्ण करने वाला सभी मानवों को देखने वाला यह सविता देव द्युलोक में रहता है। वह देव सर्वव्यापक मुख्य दिशाओं एवं उपदिशाओं को प्रकाशित करता है और वह पूर्व भाग पृष्ठ भाग तथा आकाश को प्रकाशित करता है। भाषार्थ धन का मूल ऐश्वर्य संपत्ति का प्रदाता सविता अपनी दीप्ति से प्रकाश से सभी रूपों को देखता है, प्रकाशित करता है। देव की भांति सविता सत्य धर्मों का धारण करने वाला है। इंद्र की भांति धन संपत्ति प्राप्त करने के कार्य में वह सज्ज रहता है। भाषार्थ हे सोम, जिस समय विश्वावसु गंधर्व को जल ने देखा, उस समय यज्ञ कार्य के पूर्ण प्रभाव से वह विलक्षण रीति से उसके पास प्राप्त हुआ। गमन करने वाले उनके कार्य को इंद्र ने जाना तथा कहाँ यज्ञ कार्य चल रहा है यह देखने के लिए चारों ओर सूर्य मंडल का निरीक्षण किया। भाषार्थ द्युलोक में रहने वाला तथा जल का निर्माता विश्वावसु गंधर्व हमें यह सब विषय बताए जो निश्चित ही यथार्थ सत्य है और जो हम नहीं जानते हैं। हे विश्वावसु, तू हमारी स्तुतियों को प्रेरित करता हुआ हमारे बुद्धि युक्त कार्यों की रक्षा कर। भाषार्थ इंद्र ने नदियों के चरण देश में अंतरिक्ष में मेघ को देखा, उसने मेघों में संचार करने वाले जल के द्वारों को खोल दिया। इनके अमर जल रूप का वर्णन गंधर्व इंद्र ने किया,
क्योंकि इंद्र मेघों में स्थित जल को जानता है। चत्वारिंशं दुतर शततम सुक्तम भाषार्थ, हे अग्नि, तेरा अन्न सबसे श्रेष्ठ है, प्रशंसनीय है, दीप्त रूप धनवान, तेरी ज्वालाएं अत्यंत प्रकाशित होती हैं, महान तेज कांति वाले हे सर्वज्ञ अग्नि, तू बलयुक्त एवं स्तुत्य अन्न दानशील यजमान को देता है। भाषार्थ, हे अग्नि, पवित्र शुद्ध कांति धारण करने वाला, निर्मल तेज वाला तथा बहुत तेजस्वी तू दीप्ति से उदित होता है। अरण्य में संचार करने वाला पुत्र रूप तू हमारी रक्षा करता है तथा दोनों द्यावा पृथ्वी लोकों के साथ संबद्ध करता है, अर्थात पृथ्वी पर के लोग हवि अर्पित करके देवों को संतुष्ट करते हैं और देव जल वृष्टि से पृथ्वी को प्रसन्न करते हैं। भाषार्थ, हे अन्नोत्पन्न सर्वज्ञ अग्नि, हमारे स्तोत्रों से आनंद प्रसन्न हो तथा हमारे अग्निहोत्र आदि उत्तम कार्यों से तृप्त हो। अनेक रूपों वाले आश्चर्यकारक एवं स्तुत्य हवि रूप अन्न तुझको भक्त अर्पित करके देवों को संतुष्ट करते हैं और देव जल वृष्टि से पृथ्वी को प्रसन्न करते हैं। भाषार्थ, हे अग्नि, हे अमर, अपने तेज से सुशोभित होकर हमारे पास धन विस्तृत कर। वह तू दर्शनीय तेजोमय शरीर से विशेष रूप से शोभित हो रहा है, इसलिए तू सर्व फलदायक यज्ञ का कार्य करके सेवित होता है। भाषार्थ, यज्ञ के संस्कर्ता अत्यंत बुद्धिमान, प्रचुर धन ऐश्वर्य के स्वामी तथा श्रेष्ठ धन के दाता, तेरी हम स्तुति करते हैं। तू उत्कृष्ट सुख संपन्न विपुल अन्न एवं सर्व फलदायक धन हमें दे। भाषार्थ, सत्यनिष्ठ पूजनीय एवं सभी को दर्शनीय अग्नि को सुख के लिए मानव अपने समक्ष स्थापित करते हैं। हे अग्नि, स्तुति श्रवण करने वाला अतिशय प्रख्यात तथा दैवी गुणों से युक्त तेरी मानव यजमान पति पत्नी स्तुति करते हैं। एक चत्वारिंश दुतर शततम सुक्तम भाषार्थ, हे अग्नि, यहाँ तू हमारे प्रति उपयुक्त प्रिय उपदेश कर, हमारे प्रति आकर श्रेष्ठ मन वाला हो। हे प्रजा के पालक, हमें धन दे, कारण तू हमें धन देने वाला है। भाषार्थ, अर्यमा, भग एवं बृहस्पति, हमें धन ऐश्वर्य प्रदान करें। सभी देव एवं प्रिय सत्यवाक रूपा देवी सरस्वती, हमें धनादि ऐश्वर्य प्रदान करें। भाषार्थ, राजा सोम तथा अग्नि को हमारी रक्षा के लिए हम स्तोत्रों से बुलाते हैं और आदित्य, विष्णु, सूर्य, प्रजापति एवं बृहस्पति को भी हम हमारी रक्षा के लिए याचना करते हैं। भाषार्थ, स्तुत्य इंद्र, वायु एवं बृहस्पति को इस कार्य में हम सम्मान पूर्वक बुलाते हैं, जिससे सब लोग हमारे प्रति श्रेष्ठ धन वाले प्रसन्न हों। भाषार्थ, हे स्तोता, अर्यमा, बृहस्पति, इंद्र, वायु, विष्णु, सरस्वती एवं अन्न तथा बलदाता सविता देव को तू हमें धन प्रदान करने के लिए प्रेरणा कर। भाषार्थ, हे अग्नि, तू अन्य अग्नियों के साथ हमारे स्तोत्र तथा यज्ञ श्री वृद्धि कर और तू हमारे यज्ञ के लिए धन दान के लिए दाताओं को प्रेरणा कर। द्विचत्वारिंश दुतर शततम सुक्तम भाषार्थ, हे अग्नि, यह स्तुतिकर्ता स्तोता तुम्हारी ही स्तुति करता है। हे बल के पुत्र, तुम्हारे से पृथक दूसरा कोई भी हमारे लिए प्राप्तव्य नहीं है। निश्चय करके तेरा दिया कल्याण जनक सुख ही तीनों दुखों से बचाने वाला है। तू मारे जाने वाले हम प्राणियों से अपने दीप्यमान ज्वाला को दूर कर। भाषार्थ, हे अग्नि, अन्न की इच्छा करते हुए तुम्हारी उत्पत्ति बहुत सुंदर होती है। तुम भाई की भांति संपूर्ण लोकों को सुशोभित करते हो। तुम्हारे इधर उधर गमनशील ज्वालाओं को देखकर हमारे स्तोत्र प्रकट हुए हैं। अनंतर वे ज्वालाएं अपने आत्म सामर्थ्य से ही पशुपालक की भांति आगे आगे विचरण करती।